एहतियाजी ताजरों से खिताब करते हुए सदर मरकजी अंजमन ताजरान अरशाद हुसैन पट्टी, सीनियर नायब सदर मियां साजिद आसफ, जनरल सेक्रेटरी रौ खलील अहमद वदीगर ने कहा कि हुकूमत आए रोज छोटे ताजरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। मैन्युफैक्चरर्स को छोड़कर छोटे ताजरों को FBR के रहम करम पर छोड़ दिया गया। FBR को गिरफ्तारी के अख्तियार देकर ताजर के कारोबार तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अगर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगानी है तो मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट्स पर लगाई जाए। छोटा ताजर पहले ही टैक्स अदा कर रहा है। सेल पॉइंट्स डिवाइस लगाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है, जो कि छोटा ताजर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्क में सेल टैक्स का पहले से निजाम मौजूद है। हर ताजर 17% टैक्स पहले अदा कर रहा है। दोहरा टैक्स लगाना जुल्म है। बड़े ताजर सेल पॉइंट्स डिवाइस लगा सकते हैं, छोटे ताजर को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत के जालमाना इकदाम के ताजर सरापा एहतजाज है। ताजरों के एहतजाज से न सिर्फ हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी होंगी बल्कि मुल्की मुआशियत पर भी अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। एहतजाज में ताजरों ने FBR जालमाना टैक्स नामंजूर, FBR मुर्दाबाद, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो नामंजूर के नारे भी लगाए।